तुम फोड़े थे सारा बम। सब मैं ही फोड़ा था ना, मुझे ही साफ करना। देखो आप हाथ से करो। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जुमा है, तो अभी मैंने नमाज पढ़ी है। और आप लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग किया ही नहीं, काफ़ी टाइम से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, बट अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हूँ। होप करती हूँ कि आप सब भी एकदम खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने सोचा कि थोड़ा काम कर लेते हैं, बहुत आराम हो गया, तो आप लोग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस करोगे। मुझे हर वीडियो में सबके कमेंट में सिर्फ यही मतलब एक कमेंट मिलता था कि आप डेली व्लॉग करो, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। बट इंशाल्लाह मैं आज से कंटिन्यू करूँगी और आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए अपना, तो मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। और क्या, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है, एक्चुअली ठंडी स्टार्ट हो गई है तो मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, तो मेरा गला बैठ गया है, थोड़ा सी चेंज लग रहा होगा आप लोगों को। और घर का हाल बता दे तो अभी तो फिलहाल घर पे कोई भी नहीं है, भाभी अपना ऊपर नमाज़ पढ़ रहे होंगे, अम्मा अब्बा भी मतलब नमाज़ पढ़ने ही गए हैं, अम्मा अपने रूम में पढ़ रही, अब्बा मस्जिद गए हैं, सोनू भी मस्जिद गए हैं, और फैसल, समीर और जीशान तीनों जन गए हैं स्कूल, तो उन लोग भी आ ही रहे होंगे। और मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगी है तो चलते पहले कुछ खा लेते चल के। और ये मैंने आज जुमा के दिन नया ड्रेस पहना है, मुझे जुमा के दिन नया नया कपड़ा पहनने बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अच्छी वाली फील आती है, वाइब आती है कि मतलब ईद जैसा फील होता है, तो मैंने इसके ऊपर किसी दूसरे ड्रेस का दुपट्टा मैचिंग करके मैंने इस पर मतलब पहन लिया। बहुत दिन से रखा है, सोच रहे हैं कि दुपट्टा लाएंगे लेकिन लाना ही नहीं हो रहा था, मैंने दूसरा दुपट्टा मतलब ड्रेस का ले लिया इसके ऊपर, वो भी मैच कर रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। खाना खाएंगे बट मैं थोड़ा सा मतलब ये बिस्किट खा ले रही हूँ कि मेरी थोड़ी सी भूख कम हो जाए। और मिस्टर जी आ रहे हैं, नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। देखो अपना खाना खिला रहा है। किस बिल्ली को? तुम खोल के क्यों गए इसको? खोल देने से थोड़ा घूम ले। मैक्स की नई दोस्त बन गए, इसको ला ला के खाना खिलाता है। अभी मैं अपना खाना ले आई हूँ, आज खाने में है बैगन आलू की सब्जी, दाल, चावल, रोटी, मिर्ची का अचार। और ये क्या है? सोहिना। इसको ऐसे गुजराती लोग में ही मिलता है जिसको बोलते है भाकरवाड़ी। भाकरवाड़ी पता होगा बहुत सारे लोग को। तो अभी जस्ट खाना खा लिए और यहाँ से सारा खाने वाने का बर्तन उठाते हैं और चलते किचन में बर्तन धोने के लिए। देखो यहाँ पे बर्तन सब धो दिया, आज बेसन में पानी बहुत ज़्यादा भर गया था तो मैंने पूरा नीचे से साफ वाफ करी हूँ। एक्चुअली क्या ना, सब खाना खाते और जूठी प्लेट के साथ में बर्तन डाल देते तो सब जमा हो जाता है इसमें जाके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे सारा काम हो गया और अभी चलते बाहर, और छांव हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ भी हम लोग आ गए हैं छत पे और छत की हालत देख लो, इन लोग ने बम जला जला के पूरा खराब कर दिया। तुम लोग को झाड़ू लगाना चाहिए पता है, ले आओ झाड़ू लगाओगे, ले आओ पक्का। बहुत ज्यादा गंदा कर दिया। ये देखो गाइस, जो दिवाली में घान हुआ था उसका साफ सफाई हो रहा है। तुम फोड़े थे सारा बम? सब मैं ही फोड़ा था ना, देखो सब मैं ही पोड़ा था, झूठ ना बोलो। साफ हो गया पूरा। कैसा लग रहा है पूरे घर की सफाई करके? हालत मेरी पंचर है। हाँ, वेरी गुड। देख लो कितना कचरा था। सराक भी नहीं रहा। छी
इसमें गंदी वंदी आवाज मत निकालो यार। और पूरा काला भी हो गया, इसको धोना पड़ेगा मुझे लगता है। अभी नहीं तो दिन में आ जाएगी पानी भर देना। कहाँ से ये आ गया ऊपर पता नहीं यार, ये कहाँ से आया, ये झाड़ू भी तो नहीं आई कैसी आया। और गाइस मैं लगाते लगाते झाड़ू थक गई हूँ। ये क्या निशाना लगा रहे हैं, यहाँ से टूट गई तो चल अब इसको नीचे ले जाओ। नहीं टूटती, नीचे ले जाओ इसको, सही से लग जाना, सीढ़ी पे गिराते हो मत ले जाना। और ये देखो गाइस छत कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, बहुत मेहनत लगी इसके पीछे। और देखो ठंडी आ गई है, फॉग देखो दिखना स्टार्ट हो गया है सब। चलो अब नीचे चलते हैं। देखो गाइस हम लोग का मैक्स हरदम बाहर रहने के लिए मांगता था, हम लोग ने इसको नया जुगाड़ लगा इसके अंदर बंद कर दिए। मैक्स आप हाथ से करो। हाँ मैक्स भाग गया, पता नहीं उसको इसमें क्या मजा आ रहा है कि यहीं पे खेल रहा है और कहीं जा ही नहीं रहा है। देखो और अभी हो चुकी है शाम, तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने यहाँ आटा वाटा सब भून लिया। यहाँ बन रही है चाय, तो अभी फटाफट बना लेते हैं और फिर चलते हैं रूम में, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है तो इसलिए आराम से बैठ के चाय पियेंगे। अभी हम लोग ने खाना खा लिया तो अभी चल रहे थोड़ा सा बाहर वॉक करने के लिए। चलो अभी हम लोग बाहर आ गए, देखो सब लोग थोड़ा सा बाहर बैठे बैठे हैं खाना वाना खा के। बड़ा अच्छा लगता है, बाहर आना चाहिए, खाने के बाद चलना चाहिए है ना। ये क्या रे बटर? ईशान लोग के स्कूल में स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहे हैं, पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? हम लोग का हो ही नहीं रहा है। क्यों? बड़े बच्चों का बड़े बच्चों का जब 13 होगा तो, लेकिन तू करना समझा, करना तो करना करना। अभी मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी और मैंने वॉक कर लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने पिंपल्स रिमूव करने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल बहुत ज्यादा हो गए। ऐसे तो दिखाई देंगे नहीं, बट ठीक है वैसे तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, ऐसे दिखाई देंगे नहीं, बट मेरे को ना ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं बस वही रिमूव करती हूँ। और थोड़े बहुत यहाँ पे भी हो गए, और शायद से कल इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे पार्लर। तो बहुत 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 लॉन्ग टाइम बाद पार्लर जा रही हूँ, तो कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं पार्लर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। हर चीज जरूरी होती है किसी किसी के लिए, तो जाना चाहिए ऐसा नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट करा लेती हूँ, वो भी कभी कभी जाना होता है और कभी कभी मैं फ्री होती हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। सो अभी मैंने पिंपल रिमूव की हूँ और मेरी स्किन थोड़ी सी रेड हो गई है और थोड़ा सा अजीब हो गया है, तो अभी रात भर में पूरा जो मुंह पे सॉइलिंग आई है सब चली जाएगी। और यहाँ चल रहा है हमारे शादी का वीडियो जो कि अभी नया नया बना है, बहुत मस्त। हेलो करो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है एडिट करना, और यहाँ पे अभी बिग बॉस भी चालू हो गया है, तो फटाफट एडिट कर लेते हैं क्योंकि बिग बॉस मिस नहीं होना चाहिए मेरा। सो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कई बार वो अपने लिए खड़ी होती है, लेकिन कई बार यू नो वो दूसरों का सहारा लेकर आगे आती है। समझ रहे हो आप ये तो समझ नहीं आता कि ये क्या निशाना लगा रहे हैं, यहाँ से टूट गई तो चल अब इसको नीचे ले जाओ। नहीं टूटती, नीचे ले जाओ इसको।